Torilo. सर क्या नाम है? दुर्गा प्रसाद दास, मैं उड़ीसा से हूँ, नवनिर्माण परिषद से। तो ये क्यों यहाँ रोका गया है आपको? शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे ना? देखिए, जो दिल्ली में जो किसान का आंदोलन हो रहा है, हम लोग इसलिए दिल्ली जा रहे थे। लगभग 5 स्टेट कवर करके आ चुके हैं, बहुत अच्छा संवर्धना मिले हैं, जागरूकता फैला के जा रहे हैं दिल्ली तक। जो 26 तारीख का ट्रैक्टर रैली है, उससे पहले हम लोग उनके साथ देंगे लेने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब बिहार स्टेट को बॉर्डर क्रॉस किया, हम लोग को लगता है कि ये उत्तर प्रदेश का प्रशासन थोड़ा ज़्यादा नाजुक हो गया है, ये सेंसिटिव हो गया है, रुकने के लिए कोशिश कर रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है जैसे इसे सोच रहा है। रुक रुक के हमको बीच बीच में रुक रुक के रात 1 बजे परसों पहुँचे, काल भी 1 बजे आके पहुँचे। आज देखिए, यहाँ सुबह नाश्ता करने के बाद हम लोग जा रहे थे, लेकिन यहाँ भी रुके हुए हैं। ये रास्ते में नहीं जा सकते, वो रास्ते में नहीं जा सकते, हम ये लखनऊ नहीं जा सकते, आप दिल्ली नहीं जा सकते। भैया, ये भारत, ये प्रधानमंत्री जी, हमारा प्रधानमंत्री, हम लोग उनको वोट दिए हैं, वो बोलते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम लोग उड़ीसा के आदमी हैं, हम लोग क्या दिल्ली नहीं जा सकते? हमारा राजधानी को नहीं जा सकते, लखनऊ नहीं जा सकते? आप क्या आप जर्नलिस्ट हो? आप भुवनेश्वर कल जाएंगे, बीच में कोई रोकेगा आपको, अच्छा लगेगा क्या? ये ठीक बात नहीं है। हम लोग हमारा न्याय दाबी के लिए जा रहे हैं, हम लोग कोई नौकरी मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं। आज इसलिए बहुत बुरा हालत हम लोग को देख रहे हैं। बसें में आप लोग हैं? हम लोग 6 बस में लगभग 300-350 आदमी है, 20-30 महिला हैं, और ये सबको रुका हुआ है। इससे पता चलता है कि कितने डरे हुए हैं ये प्रशासन।